दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और बिजनेस रिसर्च मेथड की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं और एक सूचना कि आप पहले देख लीजिए पहले डिटेल वीडियो और उसके बाद आइए इन क्वेश्चंस के ऊपर, तो अपन को कहीं भी दिक्कत नहीं आई। आप सबका MIS का पेपर बहुत जबरदस्त आया और बहुत जबरदस्त दम से आपने उसको डिफेंड किया, अटैक किया, आपका मजेदार पेपर गया। बहुत से बच्चों का मेरे को रिप्लाई आया कि सर पेपर बहुत ईजी, हमने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया। मेरी बहुत 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 दिल से बधाइयां आप सभी को, लेकिन अभी तो केवल लंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बिजनेस रिसर्च मेथड बाकी है, FM बाकी है, QTM बाकी है, सारे सब्जेक्ट, एनवायरमेंट का सब्जेक्ट बाकी, तो ये सभी स्कोरिंग सब्जेक्ट चल रहा है। इस सब्जेक्ट का केवल हवा बना हुआ है, ये सब्जेक्ट BRM भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ QTM FM भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, केवल हवा बना हुआ है कि आपके लिए थोड़ा सा टफ है। नॉर्मल डिटेल के अंदर मैंने वीडियो बनाए, देखिएगा आपको कोई भी चीज टफ नहीं लगी होगी। तो आ जाते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन के ऊपर और फिर से एक बार पेपर अच्छा जाने पे बधाइयां। मतलब कि बच्चे आज इतने खुश हैं कि वो चेक कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी आपकी मेहनत के कारण पेपर अच्छा गया। लेकिन मैं फिर आपको बोलता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सारी मेहनत आपकी है। मेरा तो केवल ओनली एक थोड़ा सा मैंने आपको प्रोसेस बताया, बल्कि अपनी कोई इतनी मेहनत नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज आपका एड ऑन किया, आपको तो सब आता था, सारी चीजें मैंने बताई, आपने उसको सीखा, याद करा, ठीक है, मेहनत आपकी है। मैं तो केवल उसके अंदर एक छोटा सा एक 10% एक टीचर ने रोल किया, 90% अभी स्टूडेंट ने रोल प्ले कर रहे हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जरा इधर उधर की बातें नहीं, एग्जाम का टाइम, तो डायरेक्ट टॉपिक पे हाइपोथेसिस और टाइप वन एरर। अब हाइपोथेसिस के अंदर क्या आ जाता है, इसका एक तो मीनिंग पूछ लेगा आपसे, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा, ठीक है, और इसके भी टाइप पूछ सकता है, हाइपोथेसिस के टाइप्स, ठीक है। और टाइप वन टाइप टू एरर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए जल्दी से निपटा देते हैं इसको। सबसे पहला क्या कह रहा है, ये रहा हाइपोथेसिस। तो यहां पर हाइपोथेसिस का मीनिंग समझ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बोर्ड चेंज करेंगे, ठीक है। हाँ, अब हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट, इज अ टेस्टेबल टेस्ट सॉरी हाँ टेस्टेबल स्टेटमेंट क्या होता है सर, जरा बताएं। लिख तो दिया आपने, टेस्टेबल स्टेटमेंट का मतलब कि वो स्टेटमेंट जिस पे मैं टेस्ट करता हूं, जो मेरा रिसर्च का एकदम बेसिकली टेस्ट किया जाता है जिस स्टेटमेंट पे। जैसे मैंने अपन को फर्स्ट टू वीडियोस के अंदर अपन ने देखा कि आगरा की पब्लिक थी और मैं क्या चेक कर रहा था, एज और इनकम में रिलेशन कर रहा था ना, आगे के दो वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो ये रिलेशनशिप चेक कर रहा था, तो ये रिलेशनशिप चेक करने की एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई हुआ, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हुआ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एज एंड द इनकम ग्रुप ऑफ द आगरा कम्युनिटी विद इन द एज ऑफ ग्रुप द 20 to 30, यानी 20 साल से 30 साल के जो वहां पे पॉपुलेशन है उनके एज और इनकम में कुछ रिलेशनशिप है क्या, ये क्वेश्चन आया। तो कितना एज बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम या तो कम होगी या बढ़ेगी, एज तो कम होने से रही, एज कभी कम होती है नहीं होती ना, एज तो कभी कम हमारी नहीं होती, तो एज हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज होने पे इनकम कम होगी या ज्यादा होगी, ये एक प्रॉब्लम आई और इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट निकाला, देयर स्टेटमेंट सुनाई देता हूं, देयर इज अ नो सिग्निफिकेंस रिलेशन। क्या बोला मैंने, नो सिग्निफिकेंस रिलेशन। तो जब मैंने नो बोला है तो वो है एच जीरो हाइपोथेसिस, नो सिग्निफिकेंस रिलेशन, नो सिग्निफिकेंस रिलेशन, ठीक है, रिलेशन यानी कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशनशिप कि एज और इनकम ग्रुप में कोई रिलेशन नहीं है, एज अपने अपने बढ़ रही है, इनकम अपने अपने बढ़ रही है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है, एच वन से नाम से कहता हूं, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव, और इसमें केवल ये नो हट जाता है, क्या हट जाता है, नो हट जाता है, और हम लिख देते हैं देयर इज अ रिलेशनशिप, क्या बोल देता हूं, देयर इज अ रिलेशनशिप। और यहां पर आप बात वैज्ञानिक को लगा दो, सिग्निफिकेंस वर्ड लिख लेना, सिग्निफिकेंस, यार क्या बोला, देयर इज अ सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड द इनकम ग्रुप ऑफ आगरा पीपल विद द एज ऑफ 20 to 30 ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, या कम्युनिटी, या अल्टरनेटिव, जब उसके बीच में रिलेशनशिप है, यानी कि कोई रिलेशनशिप है एज और
इनकम के बीच में, तो उसको बोलेंगे H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और जब बोलेंगे कोई रिलेशनशिप नहीं है तो उसको बोलेंगे H0 हाइपोथेसिस। बात समझ में आई? H0 और H1 दो तरीके की हाइपोथेसिस है, ठीक है, दो तरीके की हाइपोथेसिस है, एक है H0 है और एक भैया हमारे H1 है। जो H1 है H0 में क्या है, नो, ये हमेशा करता है नो, किसी भी बात को बोलो बोलता है नो, और H1 क्या करता है, हमेशा कहता है यस, हाँ यस, ये कहता है नो और ये कहता है यस, यानी कि नो रिलेशनशिप और इसमें कहता है यस, और खामोशी यहाँ पे बोल रही देर इज अ रिलेशनशिप, यानी कि हाँ भैया यहाँ पे रिलेशनशिप है। तो ये दो बातें हो गई, बात समझ में आई, ठीक है। तो अब हमेशा याद रखना H0 को ही टेस्ट किया जाता है। टेस्ट किसका होता है, टेस्टेबल स्टेटमेंट हमेशा नल हाइपोथेसिस होती है, क्यों, क्योंकि अगर ये इसकी अगर ये रिजेक्ट हो गई, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो इसका मतलब H1 क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई, H1 क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई, और अगर यही एक्सेप्ट हो गई तो H1 रिजेक्ट हो जाती है, यानी कि H0 को ही हमको टेस्ट करना होता है। ये बेसिक फंडे होते हैं, अभी तक आपके BRM के 5th यूनिट तक पहुंचते पहुंचते ये बातें अपन सीख चुके हैं। हाँ, अब इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, आप इसके बेसिक हाइपोथेसिस में बता देता हूं क्या है, क्वालिटीज ऑफ गुड हाइपोथेसिस आपसे क्वेश्चन यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा। हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में होती है, इट इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट। देखो जो मैंने लिखा है बुक में भी पहली बार वही चीज मिल रही है, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो और दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताने को ही हाइपोथेसिस कहते हैं, और एक टेस्टेबल स्टेटमेंट यानी कि इसके ऊपर टेस्ट किया जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या हुआ, देर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द एज एंड द इनकम ग्रुप ऑफ द आगरा पीपल, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दिया विद इन द फॉर्मेट ऑफ द 10 to 20, 20 to 30 एज ग्रुप, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो या उसी के अंदर विद द स्पेशल कॉन्टेक्स्ट करके अपन ने लाइन लिख दी, ठीक है, वो लाइन लिखने का ग्रामर का अपना फंडा नहीं है, मेन तो फंडा ये है कि देयर इज अ नो रिलेशनशिप, नो सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस वर्ड लिखना थोड़ा इसमें ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेनेशन फॉर सम ऑब्जर्व फिनोमेना इज द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट स्टडी द हाइपोथेसिस ऑफ द ब्रीफ समिशन ऑफ द रिसर्चर प्रिडिक्शन। अब रिसर्च क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि एज और इनकम में या तो रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा, ठीक है, और होगा तो कितना होगा वो रिसर्च से पता चल जाएगा। तो रिसर्च का जो प्रिडिक्शन है आउटकम है वो हाइपोथेसिस से सेट हो जाता है। अब अच्छी हाइपोथेसिस कैसी होती है, अच्छी हाइपोथेसिस कैसी होती है, अच्छी होती है सर, अच्छी हाइपोथेसिस कैसी होती है सर, किसी से मैंने बच्चे से पूछा था एक बार क्लास में, तो बड़े ही बच्चे बस्ती वाले हमारे जैसे मतलब क्लास में, मैंने पूछा कि बताओ मिस्टर पिंटू अच्छी हाइपोथेसिस कैसी होती है, तो उन्होंने कहा सर अच्छी हाइपोथेसिस बड़ी अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर, अ गुड हाइपोथेसिस इज सम इंग्रेडिएंट, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि वो कभी भी क्वेश्चन नहीं बोलेगी कि देर इज अ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एज एंड द इनकम ग्रुप, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, वो एक स्टेटमेंट है, उसको टेस्ट किया जाता है। तो नेवर फॉर्मुलेट द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, यानी फॉर्म क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं होती है, क्या होती है, टेस्टेबल होती है, एम्पिरिकली टेस्टेबल होती है, एम्पिरिकल टेस्टेबल हर जगह टेस्ट करी जा सकने वाली, इट शुड बी स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक यानी कि आगरा के बच्चों के बारे में बात है, आगरा के लोगों के बारे में बात है, और एज और इनकम ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं, और इट शुड बी स्पेसिफाई वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल्स के बारे में भी लिखना है, स्पेसिफिक भी होती है, और क्वेश्चन से फॉर्मुलेट नहीं होती है, और टेस्टेबल होती है। ये चार आपको याद रखना है, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ क्वालिटी और राइट इसी तरीके से हाइपोथेसिस, यदि आपसे पूछ लिया जाए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये लिख देना, हाउ द हाइपोथेसिस इज मेड तो ये लिख देना, ठीक है। तीन चार तरीके हैं इसको पूछने के, और दो तरीके के हाइपोथेसिस हैं H0 और H1। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो है अपना क्या है, कहाँ गया, है कि नहीं है, हाँ है ना, ये रहा ये है टाइप्स ऑफ एरर। अगर आपसे पूछ लिया जाए द टाइप्स ऑफ एरर, कौन सी टाइप्स ऑफ एरर की, हाँ अब क्लियर है, ठीक है। जब हाइपोथेसिस टेस्ट करी जाती है तो कुछ एरर हो सकती है, उसको हाइपोथेसिस एरर बोलते हैं। अच्छा, तो जो काम करता है वो गलती करता है, जो काम करता है वो गलती करता है, जो काम नहीं करता वो गलती
नहीं करता है, जीवन का उसूल है। यदि आप गलती कर रहे हो तो मतलब आप कुछ सीख रहे हो। मैं गलती करता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ सीखा। बहुत सी बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को सब आता है। हम बहुत सी डेली रूटीन में मैं कुछ ना कुछ चीजें गलत हो जाती है, कभी कुछ गलत हो जाता है, कभी कुछ गलत हो जाता है। मेजर कभी ज्यादा नहीं हो पाती क्योंकि मैं मेरी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ। आज भी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में 12-15 साल से सीख बना रहा हूँ पीपीटी, फिर भी कोई कोई चीजें शॉर्टकट की एकदम दिमाग से मिस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अपडेट करते रहते हैं, खुद को सीखते रहते हैं। तो गलती वही करता है जो कुछ कर रहा होता है। तो इसी तरीके से हाइपोथेसिस में अपन टेस्टिंग किसकी करते हैं, आप सबको तो पता है सर, H0 की टेस्टिंग होती है, यानी कि नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है। तो गलती भी कौन करेगा, नल हाइपोथेसिस करेगा, याद रखने का तरीका है ना। अब नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होगी तो एरर भी कहां आएगी, नल हाइपोथेसिस में आएगी, और कहीं पे एरर आने वाली नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस क्या थी, वापस से फिर पुराने पे चलते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या थी, ये कह रही थी नो रिलेशन ठीक है, ये कह रही थी। H0 क्या कह रहा था मेरा कि भैया एज और इनकम में कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या हुआ, जब ये H0 कह रहा था कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या हुआ कि अगर एक तरफ से एक अगर ये नो रिलेशनशिप है तो इसका मतलब क्या हुआ, H1 मेरी एक्सेप्ट हो गई। अगर ये अगर बात सच है, ट्रू है, तो H1 क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। H1 क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। भैया दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो H1 क्या हो गई मेरी, रिजेक्ट हो गई। और अगर दोनों में रिलेशनशिप है, there is a no relationship, तो H1 तो रिजेक्ट हो गई क्योंकि उन दोनों में रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और अगर दोनों में रिलेशनशिप है, अगर ये रिलेशनशिप है, मैंने क्या कह रहा हूँ, रिलेशनशिप है, यस रिलेशनशिप का यस है, और ये H0 नो है, मतलब कि दोनों में रिलेशनशिप नहीं है। तो रिलेशनशिप है मतलब, तो ये क्या हो जाती है, H1 मेरी एक्सेप्ट हो जाती है। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से बोल देता हूं, अगर नल हाइपोथेसिस में ये प्रूफ हो जाए कि दोनों वेरिएबल में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, दोनों वेरिएबल में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो मेरी H1 क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और H0 क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। भैया दोनों में कोई रिलेशन नहीं था, मैंने प्रूफ कर दिया, तो नल हाइपोथेसिस मेरी एक्सेप्ट हो गई। और इसी तरीके से अगर मैंने कह दिया कि दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है, यस दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है, तो मेरी H0 हाइपोथेसिस गलत हो गई, तो H1 हाइपोथेसिस मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी। इतनी सी बात याद रखना, सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। थोड़ा सा आप इसको है ना नॉर्मल फेनोमेना से सोचोगे, नॉर्मल बच्चे की तरह सोचोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बड़े नहीं बनना है इसमें। इसमें क्या बनना, कि मैं कह रहा हूं कि दो के राम और श्याम दोनों भाई है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, राम और श्याम क्या है, दोनों भाई है। अगर ये दोनों भाई है, ठीक है, और राम का केवल एक ही भाई है, तो विक्रम उसका भाई नहीं हो सकता। विक्रम उसका भाई नहीं हो सकता, वो स्वतः ही कैंसल हो गया। अगर मैंने ये कह दिया राम और श्याम भाई नहीं है, और तीसरा बंदा विक्रम है, तो विक्रम उसका भाई हो गया। क्वेश्चन में तीन नाम दिए, राम श्याम विक्रम, क्या नाम दिया, राम श्याम और विक्रम। और इसमें कहा, पहले स्टेटमेंट दिया राम और श्याम भाई है, तो क्या विक्रम भाई हो सकता है, नहीं हो सकता ना। और यह कह दिया कि श्याम भाई नहीं है, तो विक्रम ऑटोमेटिक भाई हो गया। इसी तरीके से अगर नल हाइपोथेसिस में मैं ये कह दूं कि इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो H1 हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। अगर मैं क्या कह रहा हूं कि इन दोनों में रिलेशनशिप नहीं है, तो H0 हाइपोथेसिस तो एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर कह देता हूं कि इन दोनों में रिलेशनशिप है, थोड़ा सा मैं वापस से कंफ्यूज हो गया, मतलब बोलने में कंफ्यूज हो गया, मैं बोलना सही चाह रहा था, मिस्टेक हो गई। देखो मैं कह रहा हूं ना, कभी कभी हो जाती है, मेरे से भी हो गई। अभी मैं फिर से बोलता हूं, और अब सही बोलता हूं, आराम से बोलता हूं। यदि मैं कह रहा हूं कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, यदि मैं कह रहा हूं कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो मेरी H0 हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि H1 हाइपोथेसिस मेरी क्या हुई, रिजेक्ट हो गई। और अगर मैं ऑपोजिट कह देता हूं कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब है H1 एक्सेप्ट हो गई और H0 रिजेक्ट हो गई, ठीक है। अब क्लियर हुआ, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो अभी मैं टाइप्स ऑफ एरर आपको बता देता हूं, उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। अब ये एरर अब समझ में आएगी, यदि आपको रिजेक्ट एक्सेप्ट का फंडा समझ में आया हो। एक बार मेरे से गलती हुई, ठीक है, माफी चाहूंगा, कान पकड़ के माफी चाहूंगा, क्योंकि हो जाती है बोलते बोलते कभी कभी।
टाइप वन एरर और टाइप टू एरर दो काइंड की एरर है, और हमेशा एरर कहाँ आएगी? अरे फिर बताया था एरर वही आएगी नल हाइपोथेसिस में, एरर हमेशा नल हाइपोथेसिस में आएगी। ठीक है, अब देखिएगा, एक तो नल हाइपोथेसिस क्या है, सच्ची है, और एक नल हाइपोथेसिस क्या है, झूठी है। यानी कि देयर इज अ नो रिलेशन, यहां क्या है, नो रिलेशन, और यहां क्या है, देयर इज अ रिलेशन। यहां पे फॉल्स का मतलब क्या है, देयर इज अ रिलेशन शिप, फॉल्स का मतलब यही है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। एक जगह तो रिलेशन नहीं है और एक जगह रिलेशन है। अब देखते हैं एरर कैसे होती है। रिजेक्टेड, क्या लिखा है, रिजेक्टेड। अब नो रिलेशन था, रिलेशन नहीं था, तो हमें क्या करना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था ना, यही सिखाया मैंने। क्या कहा, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है तो इसका मतलब है H0 हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। पर मैंने उसको क्या कर दिया, रिजेक्टेड। जब मैंने उसको रिजेक्ट करा है तो इसका क्या मतलब हुआ है, इसका मतलब यह हुआ है कि यह टाइप वन एरर हो गई। जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं था तो मेरे को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये टाइप वन एरर हो गई। देयर इज अ नो रिलेशन, यानी कि नल हाइपोथेसिस वेंट ट्रू एंड वी रिजेक्टेड, एंड वी रिजेक्टेड व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड वी रिजेक्टेड, इट्स कॉल्ड द टाइप वन एरर। सिंपल, अब सिंपल तो नहीं है, सिंपल बनाने की कोशिश चल रही है। इसी तरीके से अगर दोनों में रिलेशनशिप है, गलत है वो बात, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर ली तो वो करेक्ट डिसीजन हो गया। पर अपना को तो अब ये टाइप टू एरर इधर आना है, ठीक है, इस वाले में देखना है। टाइप वन एरर बता दी, अब टाइप टू एरर में देखिएगा। टाइप टू एरर में क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, रिलेशनशिप है। यानी नल हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि वो गलत है, दोनों वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप है, लेकिन गलती से नॉट रिजेक्टेड। नॉट रिजेक्टेड को दूसरा वर्ड क्या है भैया, एक्सेप्टेड। नॉट रिजेक्टेड को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेड, लेकिन आपको डायग्राम में नॉट रिजेक्टेड ही लिखना है, मैट्रिक्स में नॉट रिजेक्टेड ही लिखना है। तो यहाँ पे जब मैंने कहा कि दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है, यस है, देखो ग्रीन का सिंबल है, क्या है, ग्रीन का सिंबल है, रिलेशनशिप है, यस है, यानी दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, तो मेरे को क्या करना चाहिए था, उसको रिजेक्ट करना चाहिए था नल हाइपोथेसिस का, लेकिन मैंने गलती से क्या करा, उसको रिजेक्ट नहीं करी, उसको एक्सेप्ट कर ली, तो ये टाइप टू एरर हो गई। ठीक, जब नल हाइपोथेसिस गलत हो और वो रिजेक्ट नहीं करे, एक्सेप्ट कर ले, जब नल हाइपोथेसिस गलत हो और उसको मैं एक्सेप्ट कर लूं तो टाइप टू एरर है, और जब नल हाइपोथेसिस सही हो और मैं उसको रिजेक्ट कर दूं, जब नल हाइपोथेसिस सही हो और मैं उसको रिजेक्ट कर दूं तो टाइप वन एरर है, जब नल हाइपोथेसिस गलत हो और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं तो वो टाइप टू एरर है। बेसिकली एक्सेप्टेड वर्ड याद रखोगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, कहीं गलती हुई छोटी सी माफी चाहूंगा फिर से, मेरे को अच्छा नहीं लगता कभी गलती करना, लेकिन मैं अगली बार और कोशिश करूंगा और सिंपल वे से आपको इसको बताने की। लेकिन अब एक लाइन में फिर से ब्रीफ कर देता हूं, जब नल हाइपोथेसिस सच्ची है, सच्ची है, यानी कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी मैंने उसको रिजेक्ट कर दी तो ये टाइप वन है। जब नल हाइपोथेसिस झूठी है, यानी कि वो कह रही है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, यस रिलेशनशिप है, फिर भी मैंने उसको क्या कर दी, एक्सेप्ट कर ली, तो ये टाइप टू एरर है। ये दिस इज द टू टाइप्स ऑफ एरर, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स अच्छे से याद कर लेना, पीपीटी अभी थोड़ा टाइम में मिल जाएगी, एंड एडवांस बेस्ट ऑफ लक आपके बीआरएम के पेपर के लिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियोज भी आ रहे हैं, हमारे चौथे पे मैं पहुंच रहा हूं, है ना, और समय है क्योंकि 15-15, 18-18 मिनट के इसके एक्सप्लेनेशन जा रहे हैं, तो सून मैं अपडेट कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड जय हिंद।